वही कहानी जो कि पहले वनडे में हुई थी, वही सेम कहानी हमें देखने को मिली है इस सेकंड वनडे में भी, और जिसके साथ कहीं ना कहीं ये सीरीज भी नीदरलैंड्स ने गवा दिया। जी हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं बिल्कुल रिप्ले एक तरह से आप कह सकते हैं कि वही हुआ है, वही 225 प्लस का टारगेट अफगानिस्तान की तरफ से मिला, नीदरलैंड्स की तरफ से वैसा ही अप्रोच हुआ पूरे थ्रू आउट द के अगर बात करूं, वही सेम अप्रोच, बहुत ज्यादा डॉट्स खेलना खेलना खेलना, और उस पहले मैच में भी सिर्फ एक प्लेयर वहां पर चले थे, उनके उन्होंने थोड़ी बहुत टेम्परमेंट दिखाई थी, और एग्जैक्ट वही प्लेयर दोबारा इस मैच में भी चलते हुए मिले। उन्होंने अपनी टैली को 68 से 80 जरूर किया, लेकिन जीत की दहलीज पे वो भी नहीं पहुंचा पाए, और कैसे नहीं करते, क्योंकि नीदरलैंड्स की जो बैटिंग का अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल और डिजास्टर नजर आया। यहां तक कि सिर्फ ये नहीं कि सामने अच्छी अटैक है, जाहिर सी बात है सामने एक अच्छी बॉलिंग अटैक है, लेकिन जिस बॉलों में रन आ सकते थे, जो बॉलों में ड्राइव आ सकते थे, जो बॉल टर्न नहीं हो रही है उनपे, उनको भी वो डॉट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि धीरे धीरे प्रेशर बनते बनते ऐसा प्रेशर बना कि वो सीधा सीरीज को ले गया। बिल्कुल सही, और कहीं ना कहीं कहना होगा कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच यहाँ भारी पड़ा है नीदरलैंड को, इतना कोई खास कोई मीडियम पेसर्स भी विकेट लेके जा रहे हैं, प्रेशर ऑब्वियसली स्पिनर बना रहे हैं वो देखने वाली बात है, उनकी ग्रामी रेट ही इतनी कम रहती है, मुझी हो राशिद हो, जी हाँ जबरदस्त बॉलिंग कराते हैं, आज फरीद अहमद मलिक ने बॉलिंग कराई, वो लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है, क्या जबरदस्त बॉलिंग कराई है उन्होंने, सच में बेहतरीन बॉलिंग हुई है। तो कहना होगा डिफेंसिव अप्रोच बहुत ज्यादा रहा है नीदरलैंड का, नीदरलैंड खुद की वजह से खुद ही हारा है, अफगानिस्तान ने इतना बड़ा कोई काम नहीं किया है कि वो हरा, ऐसा कोई काम कि कुछ बड़ा दिखे या कुछ एक्स्ट्रा लगे कि अफगानिस्तान ने कुछ किया है, ऐसा कोई खास बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही जैसे आप कहते हैं कि अफगानिस्तान को इतना करना ही नहीं पड़ा, शायद इतनी की जरूरत ही नहीं पड़ी, अफगानिस्तान ऐसा नहीं कर नहीं सकता था, बिल्कुल कैपेबल है करने का, लेकिन वो उनको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस कदर खराब नीदरलैंड्स की बैटिंग हुई है। बॉलिंग में हम कह सकते हैं चलिए फिर भी आप बेहतर आपने किया, 225 तक आपने दोनों बार अफगानिस्तान को रोका, लेकिन बैटिंग में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लूपहोल नजर आए। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल यहां पे देना चाहूंगा, मान लीजिए स्पिनर्स बॉलिंग करा रहे हैं और उनसे कोई खराब बॉल डल जाती है, तो वो उस जो बैट्समैन जो होते हैं ना, खास करके जो टॉप के जो बैट्समैन होते हैं, वो बड़े जल्दी से पढ़ लेते हैं कि कौन सी बॉल खराब आने वाली है, कौन सी बॉल, ये बॉल टर्न नहीं होगी या खराब होगी, ये सब चीजें बैट्समैन आराम से पढ़ लेता है, यही तो प्रैक्टिस वो करता है, नेट्स पे हो या कोचेस के जब प्रैक्टिस सेशन होते हैं प्रैक्टिस करता है। नीदरलैंड्स के बैट्समैन मैंने दोनों इनिंग में देखा, दोनों इनिंग में हमें यही नजर आया, अच्छी बॉल को भी जिसमें स्पिनर कह रहा होगा ओ बच गया यार इस बॉल में तो अच्छे खासे शॉट्स आ सकते थे, ऐसी बॉलों को भी आप डॉट में निकाल रहे, तो इससे आपको ये नहीं अंदाजा लग रहा है कि रिक्वायरमेंट रेट हमारा बढ़ रहा होगा? नहीं, ये आपने बहुत सही कहा। देखिए जो नीदरलैंड जो बॉलर रोक रहा था, जो रोक रहा था, ये सब जो चीजें होती है रोकने वाली, या डरना कहें यहाँ पर डर कहें, तो ये सब चीजें अकेडमीज या क्लबों में बहुत देखने को मिलता है, जूनियर क्रिकेट में देखने को मिलता है कि आगे आने वाली बॉल नहीं खेली जा रही है, ड्राइव वाली बॉल लग नहीं रही है, हमें पता नहीं है ड्राइव कैसे मारते हैं, पर आप नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, आप तो नेशनल मैच खेल रहे हैं, बिल्कुल, तो आपको ये सब आम बात है कि कौन सी बॉल कहाँ हाथ पड़ना कैसे पड़ना है, ये सब सिखाया जाता है, और आप पुराने पुराने प्लेयर्स हैं, बिल्कुल, और पुरानी टीम रहे हैं, कोच आपके साथ पुराने हैं, बहुत पुराने, बिल्कुल, ये सब आम बात है, लेकिन हमने जो आज देखा, पिछले मैच में देखा, उससे तो कहीं नहीं लगा कि आप कोई इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा था कोई जूनियर सब डिविजन का कोई मैच चल रहा है, बिल्कुल, इस कदर खराब बैटिंग देखने को मिली है नीदरलैंड्स की। इसका इससे ये मतलब नहीं है कि हम अफगानिस्तान के बॉल्स को क्रेडिट ना दें, बिल्कुल अब बारी आती है उनको क्रेडिट देने की, और डेफिनेटली बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पर रही है। राशिद मुजीब की तो बात हम करते ही रहते हैं, काफी तारीफ करते हैं, फरीद की जो तारीफ यहाँ पर बनती है, डेफिनेटली उनकी बॉलिंग बहुत ही अच्छी रही है, क्या कहते हैं, बिल्कुल, खास करके उनका स्पेल देख जो आज उन्होंने लेग स्टंप उड़ाया है बेहतरीन, अपने पहले ही ओवर में उन्होंने जिस तरीके से लेग स्टंप उड़ाया, यॉर्कर डाली, सीधा लेफ्ट आर्म बॉलर है, जिस तरीके से प्योर लेफ्ट आर्म विकेट उनका कह सकते हैं आप, वो उन्होंने लिया, जबरदस्त बॉलिंग रही है, दोनों छोर का उन्होंने इस्तेमाल किया, ओवर द विकेट भी गए, राउंड द विकेट भी गए, जगह जगह बॉल रखी, लेंथ बॉल, फुल बॉल, गुड लेंथ, हर जगह लेंथ बदलते गए बहुत ज्यादा, और एक फिर बात तो हुई थी नीदरलैंड का डिफेंसिव अप्रोच तो वही था ही, तो कुछ करेंगे और ज्यादा अफगानिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनको यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आया। एक वक्त नीदरलैंड 110 पे 2 था, ज्यादा खुशमत हुई, ये मत सोचिए कि नहीं नहीं वो मैच में था,
यकीन मानिए नेदरलैंड्स मैच में कभी भी नहीं था। बिल्कुल 110 पे दो विकेट जरूर थे, लेकिन उस वक्त ओवर शायद 28 से 30 ओवर हो चुके थे। अगर आप वनडे में 30 ओवर में 110 रन मारते हैं और चेस करते हुए, वो भी आपको पता है कि आने वाले जो 20 ओवर उसमें से 10 ओवर सामने वाली टीम के सबसे बेहतरीन बॉलर्स के नाम है, यानी कि मुजीब और आसिफ की तरफ 10 ओवर बचे थे दोनों के मिला के अगर मैं बात करूं, तो फिर कहीं ना कहीं वो मैच में कहीं भी आप नहीं थे। सिर्फ लग रहा था टेली देख के अरे दो विकेट ही हैं, लेकिन आप मैच में नहीं थे क्योंकि रिक्वायर्ड रेट की जो तलवार है वो लटक रही थी और धीरे धीरे 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 और कहीं ना कहीं 12-13 में जाके फिर नामुमकिन सा हो गया, जो कि इम्पॉसिबल था कि वहां से आप जीत पाते। खैर यहाँ पर सीरीज की हार हुई है और 2-0 से कोई खास हैरान भी नहीं है क्योंकि हमें तो पहले से ही लग रहा था कि 3-0 ही होगा डेफिनेटली, और उम्मीद भी है कि 3-0 ही होगा क्योंकि हमने इसे कहा था, हमने कम्युनिटी में अपने कहा था और हमने ट्विटर इंस्टाग्राम पे भी हमारे फैंस के जो बीच में कहा था कि अगर कोई चांस बनता है नेदरलैंड्स का इस सीरीज में अब सरवाइव करने का, तो उन्हें हर हाल में टारगेट देके उसे डिफेंड करने की कोशिश करनी होगी। पहले मैच में हो सकता था, जी हाँ, जो पहले मैच में हो सकता था लेकिन वहां पे उन्होंने नहीं किया, उन्होंने ऑफ टू बैट किया और आज अफगानिस्तान ने खुद ऑफ टू बैट किया, तो कहीं ना कहीं, और ये अफगानिस्तान को बहुत अच्छे से पता था, वो तो वैसे भी बैटिंग लेते हैं लेकिन फिर भी उन्हें अच्छे से पता था कि नेदरलैंड्स चेज करता हुआ वो इम्पॉसिबल है कि वो इस ग्राउंड पे टिक पाए, खास करके उनकी जो डिफेंसिव अप्रोच है प्लस अफगानिस्तान की बेहतरीन बॉलिंग अटैक। बिल्कुल, और जिस तरीके से एक बात जाते जाते कहूंगा, रहमानुल्लाह गुरबाज बिल्कुल, अरे बिल्कुल भूल गया, बेहतरीन सेंचुरी आपने जमाई, आखिर आपका बल्ला चला, टाइम से आप इंतजार कर रहे थे हम, थोड़ा बहुत आपके शॉट भी देखने को मिले, आज देखने को मिला बेहतरीन खूबसूरत पारी, कहना होगा बहुत जबरदस्त उनका साथ दिया शाहिदी ने, फिर से 50 जमाई, बैक टू बैक 50 उनकी हो गई, रहमत शाह ने भी कुछ रन जरूर मारे, रहमत शाह एक अच्छे बैट्समैन है, तो बिल्कुल आज बहुत अच्छा रहा, थोड़ा सा और स्कोर बढ़ाने की कोशिश करनी होगी अफगानिस्तान को आने वाले अपने मैचेस में, देखना होगा कि अफगानिस्तान स्कोर कुछ खड़ा कर पाएगा या नहीं। बिल्कुल, बैटिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा बहुत अभी भी काम करनी, थोड़ा बहुत नहीं काफी काम करनी, जरूरत है, स्कोर नहीं आ रहे सामने की बॉलिंग को देखते हुए, और स्कॉट एडवर्ड्स की डेफिनेटली मैं तारीफ करना चाहूंगा, वाकई एक ये प्लेयर है नेदरलैंड अगर पूरी सीरीज से कुछ लेके जा रहा है तो डेफिनेटली बैटिंग डिपार्टमेंट में वो स्कॉट एडवर्ड्स होंगे, पहले मैच में 68 इसमें 80 बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही, लेकिन हर बार वो अकेले ही रह जाते हैं, दूसरी तरफ से उन्हें कोई खास सपोर्ट नहीं मिलता, अगर सपोर्ट मिलता भी है तो वो 70 बॉलों में 20 रन का सपोर्ट मिलता है जो कि रिक्वायर्ड रेट को और बढ़ाता ही है, कम नहीं करता। फिलहाल इस वीडियो में इतना एनालिसिस, पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इतनी फेयर एनालिसिस और अनबायस्ड एनालिसिस हम आपके लिए लगातार लाने की पूरी कोशिश करते हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।